मोहम्मद अफान सल्लम हो। मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अखलाक साहब दामत बरकातहुम से गुजारिश करेंगे कि हजरत ये जगह आपकी है, आप तशरीफ ले आए, स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। और भी जो हमारे उलमाए कराम हुफ्फाज़े कराम सामने बैठे हुए हैं वो स्टेज पे तशरीफ ले आए, आ जाए, नाम बना, पुकारने में वक्त भी लगेगा और किसी का नाम अगर छूट जाए तो हो सकता है किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए, इसलिए मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, तशरीफ ले आए। हजरात शायद मेहमान आ चुके हैं, बहुत जल्द प्रोग्राम का आगाज होने वाला है। मैं इन बच्चियों से गुजारिश करूंगा कि ये एक किनारे एक साइड में तशरीफ ले आए ताकि मेहमान बैठ सके। बहुत से लोग हमारे इधर उधर घूम फिर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जलसेगाह में तशरीफ ले आए। अभी मेहमानों के आने में चंद लम्हात बाकी हैं, हम गुजारिश करेंगे शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत मौलाना समीउद्दीन साहब ईसा नगरी से कि वो तशरीफ ले आए और अपनी सुरीली आवाज से मजमे के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दें। जो ये अफरा तफरी का माहौल है, आने जाने का माहौल है, भाई इसको बंद कर दें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नात गोई होने जा रही है। बारगाह रिसालत माव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश होने जा रहा है, इसलिए जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है इधर कुर्सियां खाली हैं तो तशरीफ ले आए। आप बैठेंगे तो आप नूरानी महफिल के दायरे के अंदर आ जाएंगे और सवाब के मुस्तहक हो जाएंगे। हम बिला तमहीद व ताखीर के हजरत मौलाना समीउद्दीन समी साहब से गुजारिश करेंगे कि हजरत तशरीफ लाए और नाते पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जिसका हमें हुक्म हुआ है नाते पाक, आप लोगों को ये चलने फिरने का माहौल बंद करें भाई, बच्चों को खामोश करें। हमारे स्टेज पर बैठे मेहमान इकराम और उलमाए कराम और सामने बैठे सामईन इकराम, मैं सबकी दुआएं लेकर शेरी सफर का आगाज कर रहा हूँ। समाज फरमाए आका के मदीने हर चीज मिसाली है, आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। माशाल्लाह, आका के मदीने की हर चीज मिसाली है, जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है, जर्रे भी निराले माशाल्लाह। और ये शेर समाज फरमाए सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना, सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना,
सरकार भी सुनते हैं क्या शान बिलाली है, सरकार भी सुनते हैं क्या शान बिलाली है, जरे भी निराले हैं मिट्टी भी निराली और कुछ है समाज पर हमारे पहले जी इरशाद हो सबकी दुआएं लेना चाहते हैं। है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना, 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 एक प्यार मोहब्बत का, एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना देना, एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना देना, एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना देना। जिस पेट पे पत्थर हो, जिस पेट पे पत्थर हो भूलो न सबक उसका, जिस पेट पे पत्थर हो भूलो न सबक उसका, जिस पेट पे पत्थर हो भूलो न सबक उसका, जिस पेट पे पत्थर हो भूलो न सबक उसका, भूखा हो पड़ोसी जो, भूखा हो पड़ोसी जो चुपके से खिला देना, भूखा हो पड़ोसी जो चुपके से खिला देना, एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना देना। और ये शेर समाज फरमाए जितने भी बैठे यहाँ पे सब लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत नसीब फरमाए, जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमत नसीब फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। ये शेर समाज फरमाए माँ बाप की खिदमत में जन्नत की जमानत है, माँ बाप की खिदमत में जन्नत की जमानत है, माँ बाप की खिदमत में जन्नत की जमानत है, माँ बाप की खिदमत में जन्नत की जमानत है, तुम उनको खफा करके, तुम उनको खफा करके जन्नत न गवा देना, तुम उनको खफा करके जन्नत न गवा देना, एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना देना। और दोस्तों आखिरी शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। दोस्तों को जो मकातिब हैं, जो मदारिस हैं, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो माँ बाप का हक होता है बच्चों के साथ
बच्चों के सर पर या बच्चों की तरबियत का। दोस्तों समाज फरमाए, अंग्रेजी पढ़ाना तुम बच्चों को मगर पहले, 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 कुरान के नगमों से, कुरान के नगमों से दिल उनका सजा देना, कुरान के नगमों से दिल उनका सजा देना, है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना, एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना देना। अस्सलाम वालेकुम।